हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल आरडीवी राहुल। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे। दिस इज़ ऑल न्यू बुलेट स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड की तरफ से लेटेस्ट पेशकश, एंड ये है इसका बेस वेरिएंट एंड ये है इसका मिड वेरिएंट। दोनों के बीच में 25,000 रुपये का फ़र्क है, एंड इन 25,000 रुपये में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस बाइक को एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या नया भी देखने को मिलता है, फिर इन दोनों बाइक्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्राइसेस की बात करें तो बेस वेरिएंट पड़ेगा हमें 1.73 लाख एक्स शोरूम, मिड वेरिएंट जो कि मरून वाला है वो पड़ेगा 1.97 लाख एक्स शोरूम, एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि मैट प्लस शाइन के साथ आता है उसकी प्राइसिंग रखी गई है 2.15 लाख एक्स शोरूम। गाइस तो गाइस सबसे पहले कवर करते हैं ये वाला वेरिएंट जो कि इसका बेस वेरिएंट, इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है 1.73 लाख एक्स शोरूम, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास ये आपको पड़ जाती है। ऑल न्यू टायर्स मिलते हैं, ऑल न्यू रिम्स मिलेंगे, एंड जो बेस वेरिएंट है उसमें ब्लैक प्लस क्रोम तिल्लियां मिलेंगी हमें, एंड इसमें डिस्क ब्रेक मिलेगी हमें देखिए, एंड दोनों एंड सारे वेरिएंट्स में हमें इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस मिलता है, पाइब्रे की ब्रेक्स आती हैं, एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। जल्दी हम इसका आपके सामने राइड रिव्यू भी लेके आएंगे गाइस। गाइस शॉकर की बात करें तो 41 mm का हमें इसमें शॉकर मिलता है, एंड ट्रैवल रहने वाला है सस्पेंशन ट्रैवल दैट इज़ 130 mm। जो फ्रंट लुक है ना, हेडलाइट लुक, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्लासिक की जो अब लेटेस्ट क्लासिक आ रही है तो उस पर डिज़ाइन बेस्ड है ये तो बहुत ही इंप्रेस करती है। इंडिकेटर्स देखें वो हमें हेलोजन ही मिलते हैं। तो गाइस लेंथ मिलेगी हमें इसमें 2110 mm, विड्थ यानी चौड़ाई दैट इज 785 mm, वेट इस गाड़ी का 195 kg रखा गया है, एंड सीट हाइट दैट इज 805 mm, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल सीट। स्टैंडर्ड की सीट्स तो गाइस पहले ही बहुत कंफर्टेबल होती थी, लेकिन ये सीट्स, ये मॉडल, ये वेरिएंट, लेटेस्ट वेरिएंट और ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिया गया है गाइस। एंड ग्राउंड क्लियरेंस वो हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, और बाइक की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी हमें इसमें 160 mm। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन इज सेम एज क्लासिक 349 cc जे सीरीज इंजन दैट मेक्स ऑलमोस्ट 20 bhp, एंड टॉर्क रहेगा इसमें 27 Nm का, मेटेड विद 5-speed गियर बॉक्स। चैसी की बात करें तो दैट इज ट्विन डाउन ट्यूब डबल स्पाइन फ्रेम गाइस, तो जो क्लासिक में मिलता है, पहले की स्टैंडर्ड में सिंगल फ्रेम आता था, ये चीज़ देख रहे हैं ना गाइस, पहले की स्टैंडर्ड में सिंगल फ्रेम आता है, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि पहले स्टैंडर्ड में क्या आता था, और इसमें जो है ये डबल ट्यूब कर दी गई है और ज़्यादा मजबूत स्टिफ चैसी, एंड सिंगल हॉर्न मिलेगा गाइस हमें यहाँ पे बुलेट 350 की बैजिंग। ये पोर्शन लगभग सेम आपको क्लासिक की ही याद दिलाएगा, मीटियोर की ही याद दिलाएगा। तो रेयर सस्पेंशन हमें 6-way एडजस्टेबल शॉकर मिलता है जो कि पहले की स्टैंडर्ड जैसा ही रखा गया है, यहाँ पे बहुत मजबूत सा सारी गार्ड। गाइस रेयर टायर की बात करूँ जो कि एक मेजर एडवांटेज है इस बाइक की, जैसे स्टैंडर्ड में हमें बहुत ही पतला टायर फील होता था ना गाइस, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। अब जो हमें इसमें टायर मिलेगा वो मिलेगा 120 सेक्शन का गाइस, एंड टायर रखा गया है C8 का, एंड सेक्शन इज 120/80x18 18 इंच का। हमें स्पोक व्हील मिलता है ब्लैक प्लस क्रोम कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें, एंड रेयर ब्रेक की बात कर रहा था गाइस तो इसमें ड्रम ब्रेक मिलता है लेकिन ABS मिलेगा गाइस। ये देखिए ये पत्ती है, ये ABS की पत्ती है, रेयर में ड्रम, फ्रंट में डिस्क। एंड गाइस रेयर लाइट की बात करें ना तो कुछ ऐसी सी लाइट बिल्कुल सेम क्लासिक जैसी ही राउंड शेप की रखी गई है। मडगार्ड है ना वो काफ़ी अपलिफ्टेड है, मतलब जैसे पुराने स्टैंडर्ड में ना टायर काफ़ी ढक जाता था, लेकिन इसमें काफ़ी विजिबल हो रहा है, लेकिन मुझे ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे इसका मडगार्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस अब हो गई है बाइक स्टार्ट हमारी, जो गाइस थंप है ना वो एग्जैक्टली 100% सेम है क्लासिक से, तो मैं बार बार आपको कह सकता हूँ कि ये क्लासिक का रेप्लिका ही है। लगाते हैं इसे चाबी, एंड गाइस कुछ ऐसा सा इग्निशन, डायनामिक स्वाइपिंग, एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर इसमें नहीं मिलेगा, एंड बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, फ्यूल गेज, ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ओडो, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। सेम स्विच गेयर्स रखे गए हैं जो कि क्लासिक में मिलते हैं, इसका ऑन ऑफ का फंक्शन भी आपको वैसा ही मिलेगा,
एंड ये है इसकी हैजार्ड लाइट्स। इसमें सिर्फ अब हमें सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, किक स्टार्ट गायब। अब आपको रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक में किक नहीं मिलेगी, ओनली सेल्फ स्टार्ट। एंड गाइस, अब हम इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे, इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे। 1.73 लाख एक्स शोरूम एंड 1.97 लाख एक्स शोरूम, 25-30 हज़ार रुपये का दोनों में फ़र्क है। तो 25-30 हज़ार रुपये में क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हम इसे कहेंगे या वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हम मिड वेरिएंट को कहेंगे, ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस इसके टायर्स देखिए, हम रिम्स देखिए। इसमें जो आपको रिम मिलेंगे वो ब्लैक, लेकिन जो इसकी तिलियां मिलेंगी, स्पोक्स मिलेंगे, ये क्रोम में दी गई है। एंड अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो व्हील हैं ये भी क्रोम मिलेंगे एग्जैक्ट। बहुत ही शाइनी क्रोम नहीं होता, बहुत ही जैसे कहेंगे कि माइन्यूट सा शाइन होता है ये, तो इसको इजी टू यूज़, इसकी केयर इजी होती है काफ़ी। लेकिन मुझे पर्सनली ब्लैक व्हील्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो गाइस डिफरेंस यही हो गया, ब्रेक सेम है, बाइब्रे की ब्रेक्स हैं मिलेंगी, मडगार्ड सेम है, शॉकर दोनों बाइक से बिल्कुल सेम है। एंड गाइस अब देखिए हेडलाइट्स की तरफ, तो हेडलाइट में भी गाइस कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। एक फ़र्क आया था इन दोनों के कलर्स में कि ब्लैक कलर थोड़ा सा सस्ता होता ही है, लेकिन ये कलर थोड़ा सा शाइनी, इसमें आपको स्पार्कल भी मिलता है। तो मरून कलर ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है, उसमें भी सेल्फ स्टार्ट मिलता है, इसमें भी सेल्फ स्टार्ट मिलता है। इंजन दोनों में बिल्कुल सेम, सेम पावर 20 BHP, सेम टॉर्क 27 Nm का। एंड यहाँ पे गाइस टैंक में फ़र्क देखने को मिलेगा कि टैंक में जो रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है ये कुछ वाइट कलर में मिलती है हमें। दूर से ऐसा लगेगा कि ये प्लास्टिक की स्टिकरिंग है, लेकिन है ये एक्चुअली मेटल ही। एंड वहीं हम इस बाइक के इस वेरिएंट की तरफ देखें तो हमें यहाँ पे पूरी की पूरी पत्ती मिलती है, जो एक रॉयल एनफील्ड का लोगो है, एक सिंबल है। एंड ये जो पेंट स्कीम देख रहे हैं ना गाइस आप, ये जो गोल्डन लाइनिंग है ये हैंड पेंटेड होती हैं, हैंड क्राफ्टेड होती हैं, तो ये इसमें काफ़ी स्किल लगता है। आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क, एक ये फ़र्क आ गया टैंक में गाइस। और एक मेजर डिफरेंस कि 25-30 हज़ार रुपये में एक्स्ट्रा आपको जो बेस वेरिएंट है उसमें ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, लेकिन जो आपको मिड वेरिएंट है उसमें आपको रेयर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं बाइब्रे की। एंड मैं पर्सनली अपने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड यही करता हूँ कि आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट ही लीजिए जिसमें दोनों में डिस्क ब्रेक हों। कहीं ना कहीं जो ड्रम ब्रेक्स होती है ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जब इसमें पानी पड़ता ना गाइस तो काफ़ी दिक्कत आती है, आवाज़ अलग करती है, काफ़ी इरिटेट करती है, लेकिन डिस्क ब्रेक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती गाइस। एंड गाइस अब बात करें इसकी रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आपको LED रेयर लाइट मिलती हैं, हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, सेम हमें इसमें नंबर प्लेट होल्डर मिलता है। यहाँ की तरफ भी देखिए तो सेम लाइट, सेम इंडिकेटर्स, कोई डिफरेंस नहीं है। टायर भी बिल्कुल सेम मिलेंगे, 120 सेक्शन एट द रेयर एंड 100 सेक्शन एट द फ्रंट। गाइस अब देख सकते हैं आप सीट्स की तरफ, सीट्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम। यहाँ पे भी लाइनिंग आती है, उसमें भी लाइनिंग आती है। एंड कुशनिंग, कर्वनेस, सब कुछ एकदम सेम मिलेगा। ग्रैब हैंडल भी, ये भी सेम मिलेगी आपको। तो गाइस जो 25,000 रुपये का डिफरेंस है वो एक ब्रेक्स का आ गया, एंड एक आ गया इसमें व्हील्स का, उसमें क्रोम मिलते हैं, इसमें ब्लैक मिलते हैं, दोनों में सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, दोनों में किक नहीं आती। एंड एक ये लेबलिंग का फ़र्क मिलेगा। तो गाइस वैसे तो 25,000 रुपये का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, इन छोटे मोटे डिफरेंसेस के लिए 25,000 रुपये देना वर्थ नहीं है, लेकिन मैं अगर होता आपकी जगह तो 25,000 रुपये दे देता, क्योंकि मुझे रेयर में डिस्क ब्रेक मिल रही हैं, वो मेरी मेजर प्रायोरिटी गाइस रहती है। तो गाइस यही है आज की वीडियो में, होप आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द बाइक, डू लाइक द वीडियो। एंड जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल बनाए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम आपको बैक टू बैक ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। तो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, टेक केयर, बाय बाय गाइस।